फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नवरात्रि की स्पेशल थाली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो दूध लिया है, इसे हम उबाल लेंगे। उबाल आने के बाद ये मैंने आधी कटोरी व्रत वाले चावल लिए हैं, इसे मैंने धो लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम ठीक होने तक पका लेंगे। जबकि थोड़ी ठीक होनी स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये आधी कटोरी चीनी डाल दी है, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब खीर बनकर एकदम तैयार है। अब हम मिक्स फ्रूट रायता बनाएंगे। ये मैंने 250 ग्राम दही ले ली है, मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स आप अपनी पसंद का कोई भी डाल सकते हैं इसमें। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स फ्रूट रायता रेडी है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे। पनीर की सब्जी बनाएंगे। ये मैंने 2 टमाटर, छोटा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च ले लिए, इन सबको मैंने कट कर लिया है। अब हम इन्हें ग्राइंडर में डालकर इन्हें बीट कर लेंगे। पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा, हम टमाटर अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे घी सेपरेट होने तक पका लेंगे। ये देखिए मसाले में से घी सेपरेट हो गया। अब इसमें 2 चम्मच दूध की मलाई डाल देंगे ताज़ी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। इसे हम 1 उबाल आने तक पका लेंगे। अब इसमें हम पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम जीरा आलू बनाएंगे। पैन में 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, चॉप की हुई जिंजर डाल देंगे, 2 हरी मिर्ची, ये मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए, इन्हें मैंने कट कर लिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और जीरा आलू बनकर तैयार है। साबूदाना वड़ा बनाएंगे। ये मैंने आधी कटोरी साबूदाना ले लिया था, 2 उबले हुए आलू। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये मैंने 50 ग्राम रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा पाउडर बनाएंगे इसका, इसे हम आलू में ऐड कर। आधा चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसका डो नहीं बन रहा है तो हम इसमें समक वाला आटा डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए। 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे।
अब डो बनकर रेडी है, अब हम इसके वड़े बनाएंगे। ये मैंने सारे वड़े बना लिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब वड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम पूरी बना लेंगे। एक कटोरी मैंने समक का आटा ले लिया, दो उबले हुए आलू ले लिए, इन्हें मैंने मैश कर लिया था। आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। डो बनकर तैयार है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। हाथ को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अब हम छोटा पेड़ा लेकर इसकी पूरी तैयार कर लेंगे। अब पूड़ी को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब पूड़ी बनकर एकदम तैयार है। अब हम थाली तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये नवरात्रि थाली की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।